Is it hot for you guys? No. Hot? It's not hot. Is it? No, it's bro, cold actually. This is not noodle. This is real food. This is real food. Today you're going to try real food. Can I try? Can I try? Yeah. You don't need an invitation for this, bro. You're tired, bro. Very good. How is the food, bro? Yummy, bolte bhai. Yummy, bolte. अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो गाइज। आज की इस वीडियो में भी हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप भाइयों को बताता चलूं कि हम 20K फैमिली के बहुत ही ज्यादा करीब हैं और 20K फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ 800 सब्सक्राइबर रहते हैं। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइज, एक छोटा सा ड्रीम है कि इस साल हमारी 20K फैमिली कंप्लीट हो जाए, जो कि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं। तो एनीवेज गाइस, बढ़ते हैं आज की फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि नोमी और पायल गेमिंग से रिलेटेड है। पाकिस्तानी गेमर नोमी ने इंडियन गर्ल गेमर पायल को इनडायरेक्टली प्रपोज किया है और इसी से रिलेटेड उन्होंने पायल गेमिंग को टैग करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज वगैरह भी शेयर की है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। हेलो जी, ये स्टोरी मैं बना रहा हूँ पायल गेमिंग के लिए। हेलो, कैसी हो पायल? मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी स्ट्रीम देखी थी स्पीड के साथ, वो तो जलील कर रहा था तुम्हें। ये क्या बात, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब टाइम आ चुका है ये बात बताने का, फाइनली इस टाइम के मैं बता दूं। मुझे समझ भी नहीं आ रही कैसे बताऊं मैं, ये स्टोरी भी यानी कि वियर्ड सा ही है, लेकिन हाँ यानी कि आई लाइक यू। ठीक है, मैं हूँ तो पाकिस्तान से, लेकिन मैं आ सकता हूँ इंडिया, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, आई जस्ट नीड योर वन सिग्नल। ठीक है, एक सिग्नल दो एंड आई विल बी देयर। तो बस इसी चीज़ का, तुम्हारी एक हाँ का इंतज़ार है मुझे और मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिएगा इस बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि PMGC 2023 के वेन्यू से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि PMGC 2023 के लीग स्टेजेस हमें मलेशिया में होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बार भी PMGC 2023 के ग्रुप स्टेजेस हमें उसी वेन्यू में होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो वेन्यू पिछले PMGC में था। वेन्यू के अंदर के कुछ फुटेज वगैरह भी हमारे सामने आई है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। Look guys, who is here? Full grind. No bad, sure. तो चलिएगा इस बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स और PMGC 2023 से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि PMGC 2023 के लीग स्टेजेस खेलने के लिए टीम्स मलेशिया जा रही हैं और टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स के कुछ प्लेयर को वीजा न मिलने की वजह से सभी प्लेयर अभी तक मलेशिया नहीं पहुंच पाए। ब्लेड, IQ और गोस्ट तो मलेशिया पहुंच चुके हैं, मगर अभी तक फलक, उजम और ट्रेंडा को वीजा नहीं मिला। और गाइस, इसी वीजा इशू को लेकर एक इंडियन ई स्पोर्ट्स न्यूज के पेज ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पाकिस्तान टीम IIT स्पोर्ट्स क्वालिफाई फॉर PMGC, but they failed to get their visa for the event due to weak passport. If another team from Pakistan don't claim the slot, it will be transferred to host nation team or other region's team. PMGC start from 2nd November. Which team do you think will be playing from their slot? तो गाइस, जैसे ही ये पोस्ट हमारी गेमिंग कम्युनिटी तक पहुंची, तो काफी लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स हमें अब PMGC 2023 के लीग स्टेजेस में शायद खेलते हुए दिखाई ना दे। तो गाइस, उन लोगों को बताता चलूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स के 3 प्लेयर वहां पहुंच चुके हैं और टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स बाकी प्लेयर जिनको वीजा नहीं मिला उनसे रिलेटेड भी गुड न्यूज सामने आ चुकी है। इसी से रिलेटेड IIIQ ने अपडेट करते हुए बताया, उजम एंड फलक बोथ कैन प्ले फ्रॉम पाक, डोंट वरी बॉयज। और गाइस, सुनने में आ रहा है कि टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स के जो प्लेयर पाकिस्तान से खेलेंगे उनको डिवाइस भी दी जाएगी, ताकि वो PMGC 2023 के लीग स्टेजेस के मैचेस उस डिवाइस पर खेल सकें। यकीनन ये गुड न्यूज टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स के प्लेयर और उनके फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और आप लोग इस खबर को सुनने के बाद कितना ज्यादा खुश हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अब एक और प्लेयर चला गया, 3 प्लेयर अगर हों तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। 2 प्लेयर का मसला बना हुआ है, उजम का और फलक का, तो ये दोनों का वीजा नहीं लग रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कहीं से कोई अरेंजमेंट हो जाए, लग जाए कल तक, देखते हैं 2 दिन तक। लेकिन ये कि अब हमारी टीम डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, क्योंकि 3 प्लेयर होने चाहिए, 3 प्लेयर पहुंच चुके हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब देखते हैं, दुआ करो कि उनका जल्दी से, जो 2 बंदे हमारे प्लेयर रह गए हैं उनका वीजा लग जाए, उसके बाद इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी मैंने यही अपडेट देनी थी यार, बड़े बंदे मैसेज कर रहे थे, मैंने सोचा चलो मैं एक स्टोरी लगा के आप सबको बता दूं कि अब टीम डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, क्योंकि 3 प्लेयर पहुंच चुके हैं, तो इंशाल्लाह बाकी 2 भी 1-2 दिन तक उम्मीद है कि हो जाएगा काम। बाकी लेट्स सी, देखते हैं, दुआ करना सारे। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज की ये वीडियो बस इतनी सी थी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।